फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप सबके साथ मसाला खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी राइस। रेगुलर राइस है जिसका हम रेगुलर यूज़ करते हैं चावल बनाने के लिए। एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने लिया है मसूर का दाल, और दो तेज़पत्ता, दो सूखी मिर्च, थोड़ी सी जीरा तड़के के लिए। और यहाँ पे देखिए, एक प्याज को मैंने बारीक करके काट लिया है, साथ ही सात आठ लहसुन की कली को भी देखिए छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सब्जी में मैंने लिया है थोड़ी सी बीन्स, आलू, गाजर और एक टमाटर। सब्जी आप अपने पसंद की कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं खिचड़ी को कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाती है। गर्म होते ही हम उसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले और इन्हें थोड़ी देर तक चटकने देंगे। तो देखिए, सूखे मसाले हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें प्याज और लहसुन को ऐड कर दूंगी और इन्हें थोड़ी देर तक हम भून लेंगे। प्याज को हल्के हल्के भूनने के बाद अब मैं इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर दूंगी और इन्हें भी अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हम चला लेंगे। सब्जियों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। हम मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 5 मिनट तक इन्हें धीमी आंच पे भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से देखिए भून गए हैं। अब हम इसमें अपने जो दाल चावल को रखा था उसे अच्छी तरह से मैंने धो के ले लिया है, इसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल चावल को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे हम, और मिला के 2-3 मिनट तक इन्हें भी भून लेंगे। देखिए, दाल चावल को भी मैंने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लिया और भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने जिस कटोरे से चावल का यूज़ किया था उसी से मैंने पानी लिया है। मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार ले। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर आप गाढ़ी खिचड़ी खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी लें, और अगर थोड़ा पतला चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर बस 2 सीटी आने तक ही हमें खिचड़ी को पकाना है, इससे ज़्यादा ना पकाए। 2-3 सीटी लग गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और प्रेशर कुकर से ठंडा होने के बाद खिचड़ी को हम सर्व कर देंगे। अब हम हमारी खिचड़ी में ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया पत्ता ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद इसे अब हम सर्व कर देंगे। तो देखिए, हमारी मसाला खिचड़ी तैयार है। मैंने इसे बैंगन भाजा और पटल के भाजा के साथ सर्व किया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें। अभी तो बरसात का मौसम चल ही रहा है, तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।